मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमला किया गया है। इस दौरान तेज धमाके की आवाज सुनी गई। पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा खड़ी कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में धमाका रात करीब 7:45 पर हुआ। ये हमला करीब 80 मीटर दूर से किया गया और अज्ञात हमलावर पर केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद इंटेलिजेंस इलाके में सीसीटीवी फुटेज मोबाइल टावर खंगाल रही है।